हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिना सहर एंड टुडे आई ब्रॉट न्यू लेक्चर फॉर यू इंग्लिश ग्रामर। हियर आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ग्रामर। सो फ्रेंड, इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो डैट माय एवरी अपकमिंग वीडियो कैन रीच यू ईजली। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको बताती हूँ लैंग्वेज के बारे में। ज़ुबान, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम। ज़ुबान एक ऐसा ज़रिया है थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थाट्स एंड फीलिंग, जिसके ज़रिए हम अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सप्लेन आपको यूँ करती हूँ कि अगर एक बंदा उर्दू बोलने वाला है और दूसरा अरबी बोलने वाला है, तो उर्दू बोलने वाले को ये नहीं पता कि अरबी बोलने वाला क्या कह रहा है, अरबी बोलने वाले को ये नहीं पता कि उर्दू बोलने वाला क्या कह रहा है। तो अब दोनों अपने ख्यालात का इजहार एक दूसरे के साथ नहीं कर सकेंगे। तो ये लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थाट एंड फीलिंग्स, इसका यही मतलब है कि ज़ुबान ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार एक दूसरे के साथ करते हैं। तो ज़ुबान का आना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर में सबसे पहली चीज़ तो ग्रामर ही है। व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर है क्या? बेसिकली द होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर। कि ज़ुबान के तमाम, जितना भी ज़ुबान का तमाम सिस्टम जो है, ज़ुबान का सिस्टम, उस चीज़ को ग्रामर कहते हैं। ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाती हैं, सेंटेंसेस आ जाती हैं, क्लासेस आ जाती हैं, फ्रेसेस आ जाती हैं। ठीक, तो ग्रामर में फिर सबसे पहली चीज़ सेंटेंस होती है कि सेंटेंस क्या है, जुमला जिसको बोलते हैं, जुमला क्या है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड डैट एक्सप्रेसेस अ कम्प्लीट थॉट्स। जुमला एक ऐसे अल्फाज का मजमूआ है जो हमें एक मुकम्मल मीनिंग्स देता है। ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये एक अलहदा एक ये क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी शामिल होते हैं। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, क्लॉज क्या है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट? अ सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग। सब्जेक्ट एक ऐसा शख्स है या ऐसी चीज़ है डैट इज़ डूइंग एन एक्शन, जो कुछ कर रहा हो। और द पर्सन और थिंग डैट इज़ द फोकस ऑफ द सेंटेंस, या वो शख्स या चीज़ जो उस जुमले का मजमूआ हो। ठीक है, मतलब एक मुकम्मल जुमले को, जुमले से शुरू जो होता है लफ्ज, उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। अब वर्ब क्या है? वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब द एक्शन इन अ सेंटेंस। वर्ब ऐसा लफ्ज़ है जो जुमले में किसी काम के होने का बताता है। जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है मैंने, आई प्ले फुटबॉल, तो इस जुमले में जो प्ले का लफ्ज़ है ये वर्ब कहलाता है। मतलब प्ले इस जुमले में एक एक्शन शो कर रहा है, खेलना, कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, दे स्किप क्विकली, उन्होंने फ़ौरन छोड़ दिया, तो छोड़ने को जो है वो वर्ब कहलाता है स्किप। वी ईट स्पैगेटी, हम स्पैगेटी खाते हैं, तो जो ईट का लफ्ज़ है वो बीच में वर्ब कहलाता है, क्योंकि ये एक एक्शन शो कर रहा है खाने का। सो व्यूअर, आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्लास और फ्रेज़ के बारे में भी बताऊंगी कि क्लास और फ्रेज़ किसे कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट लेसन के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे लेक्चर के साथ। सो गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।